Hello friends, my name is Kitika and welcome to my channel Canadian Fragrance. And आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं regarding the flight ban by Canada on Indian direct flights. So, अब हुआ क्या था? Due to second wave in India, जो कि around March के अंदर आई थी, and उसमें काफी cases अचानक से बहुत rise होने शुरू हो गए, and इसमें अगर आपने देखा है तो अराउंड 15th मार्च के अराउंड केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए. अराउंड 15th अप्रैल तक केसेस वर राइजिंग लाइक अप्रॉक्सीमेटली 400,000 केसेस पर डे एंड डेथ टोल वाज अनइमेजिनेबल. एंड इस टाइम पे एक न्यू म्यूटेंट डिटेक्ट हुआ, दैट वाज डेल्टा म्यूटेंट. एंड उसके वजह से मैनी कंट्रीज जिन्होंने क्या किया उस टाइम पे इंडिया के ट्रैवल बैन के ऊपर, विच द रूट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, जिसको कि बैन कर दिया गया. एंड इस वजह से कैनेडा वॉज वन ऑफ द कंट्री जिसने 21st ऑफ अप्रैल को इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट के ऊपर बैन लगा दिया. अब इसमें हुआ क्या, 21st को लगा कैनेडा की डायरेक्ट फ्लाइट पे बैन, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लेट्स अज्यूम कि थोड़ी देर तक ये बैन चलेगा एंड उसके बाद कम हो जाएगा या उसके बाद लिफ्ट कर दिया जाएगा. बट देन अराउंड 30th ऑफ अप्रैल देखा गया अराउंड 25 कंट्रीज बैंड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया. अराउंड 31st ऑफ मे 39 कंट्रीज बैंड फ्लाइट्स विच वर डायरेक्टेड फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग मालदीव्स, यूएई, यूएस एंड अदर मेनी कंट्रीज. इसके साथ जो 21st मे को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो बैन लगा था कैनेडा ने लगाया था 21st ऑफ अप्रैल को, वो बैन लिफ्ट हो जाएगा, पर अल्टीमेटली वो लिफ्ट नहीं हुआ बिकॉज द केसेस वर वेरी हाई. एंड इस टाइम तक और बहुत कंट्रीज ने इंडिया को बैन कर दिया था, तो वो 21st को फिर से लिफ्ट बैन एक्सटेंड हो गया अप टू 21st ऑफ जून. नाउ द सिचुएशन इज राइट नाउ 41 कंट्रीज हैव बैंड इंडिया ट्रैवल. देन इसके बाद अब अराउंड 15th ऑफ मई जब कोविड वॉज एट पीक, नाउ द केसेज आर स्टार्टेड ड्रॉपिंग. इस टाइम पे इंडिया के केसेस अराउंड 58,000 to 60,000 अ डे, विच आर नॉट मच अकॉर्डिंग टू इंडियाज पॉपुलेशन, बट येस दिस इज अ लॉट एज कम्पेयर टू कैनेडाज केसेस पर डे. ऑन्टारियो के ओनली केसेस आर अराउंड इन हंड्रेड्स, लाइक 300 or 400 केसेस अ डे. पूरा कैनेडा इज जस्ट गेटिंग अराउंड 1,000 or 1,200 केसेस अ डे, विच इज ऑब्वियसली दे वोंट एक्सपेक्ट कि इंडिया से और केसेस आए एंड द केसेस स्टार्टेड राइजिंग, सो दे कैन नॉट रिस्क दैट. इस वजह से अभी तक बैन लिफ्ट नहीं किया गया है. सो व्हाट वाज द ऑप्शन कैनेडा ने डिसाइड किया, जो कि उस टाइम पे बैन के साथ अनाउंस कर दी गई थी कि आप एक कंडीशन से कैनेडा एंटर कर सकते हो, दैट वाज यू कैन टेक अ इनडायरेक्ट रूट फ्रॉम द थर्ड कंट्री, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी अदर कंट्री. आप इंडिया से कहीं और कंट्री में जाइए, वहाँ पे रुकिए, वहाँ पे अपना कोविड नेगेटिव टेस्ट कराइए, यू गेट अ नेगेटिव रिपोर्ट फ्रॉम देयर एंड वहाँ से स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स कैनेडा. बट अब वहाँ उस कंट्री में जाने के लिए उस कंट्री का बैन ओपन होना चाहिए, जो कि नॉर्मल लोग ट्रैवल करते हैं टू यूएई, टू मालदीव्स, टू नेपाल और टू एनी अदर नियर बाई कंट्रीज, बट ऑल द कंट्रीज जिन्होंने इंडिया को ट्रैवल बैन जिन पर लगा रखा था ऑलरेडी, या फिर कुछ क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शंस थे, लाइक इन नेपाल. नेपाल में यू कैन गो बट यू कैन नॉट ट्रांजिट फ्रॉम नेपाल टू एनी अदर कंट्री. अगर आप ट्रांजिट करते हो देन यू हैव टू स्टे देयर फॉर 14 डेज एंड आपको क्वारंटीन करना पड़ता है. एंड सेम एज द केस इन मालदीव्स, इन यूएई यू कैन नॉट गो, मालदीव्स यू कैन नॉट गो बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ट्रैवल और दे हैव ऑलरेडी अ बैन ऑन इंडिया. एंड इस वजह से लोगों के पास ऑप्शंस खत्म हो गए, लाइक फ्रॉम वेयर यू कैन टेक योर रूट टूवर्ड्स कैनेडा. बट स्टिल मैनी पीपल दे रिसर्च्ड, दे एक्सप्लोर्ड मैनी वेज एंड नाउ वी हैव कम आउट कि बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे आप कैनेडा जा सकते हो, बट द वेज आर इनडायरेक्ट रूट्स. द फोर ईजी रूट्स दैट यू कैन सी राइट नाउ आर थ्रू मैक्सिको, गो मैक्सिको, गेट योर आरटीपीसीआर डन, स्टार्ट योर जर्नी टूवर्ड्स कैनेडा, देन थ्रू मस्कट, देन थ्रू सर्बिया एंड देन थ्रू इथोपिया. दीज आर द फोर रूट्स दैट यू कैन टेक टूवर्ड्स कैनेडा. आप इनडायरेक्ट वे से जाइए एंड यू इट्स ईजी टू गो, बट इसके साथ यू हैव टू फॉलो सम कैनेडियन रिस्ट्रिक्शंस
जो कनाडा ने लगाई थी, जो कंडीशंस लगाई थी, उसको आपको फॉलो करना होगा. वन इज दैट आप जब भी किसी थर्ड कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे आपको जो कोविड नेगेटिव टेस्ट, कोविड टेस्ट कराना है, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट शुड बी विद इन 72 आवर्स ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम दैट कंट्री टुवर्ड्स कैनेडा. आप वहाँ से जिस समय निकलेंगे और कैनेडा की तरफ, आपके 72 आवर्स के डिपार्चर के बीच में वो कोविड नेगेटिव रिटर्न रिपोर्ट होनी चाहिए फ्रॉम दैट थर्ड कंट्री. नाउ इफ यू हैव अ पॉजिटिव रिपोर्ट फ्रॉम 14 to 90 days ऑफ योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, लेट्स से आपको कुछ वन मंथ पहले कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, नाउ यू आर फिट एंड फाइन, बट यू हैव अ पॉजिटिव मॉलिक्यूलर टेस्ट रिपोर्ट ऑफ दैट बिटवीन 14 to 90 days. अब अगर आप कैनेडा से कैनेडा की तरफ जाना चाहते हो, देन यू कैन टेक दैट पॉजिटिव रिपोर्ट अलॉन्ग, फिर भी आप जा सकते हो, बट देर इज अ रिस्ट्रिक्शन. 2 points टू बी कंसिडर्ड. 1, जब आप किसी थर्ड कंट्री की तरफ जाओगे, यू डोंट नो दैट वो कंट्री आपको अलाउ करेगी टू गेट इन दैट कंट्री विद अ पॉजिटिव रिपोर्ट और नॉट. सेकेंड, इफ दे अलाउ यू टू एंटर, मे बी दे कैन आस्क यू टू क्वारंटीन फॉर 14. सो यू कैन ट्रेवल विद अ पॉजिटिव रिपोर्ट एज वेल, बट आपको इन कंडीशंस का ध्यान देना है. एंड इसके बाद नेक्स्ट, दीज रूट्स आर इजीली एक्सेसिबल. अभी तक कोई किसी इनमें से किसी भी रूट की कोई नेगेटिव रिव्यूज नहीं है. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम इसकी हर रूट की एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाएं, जिससे इस रूट के बारे में मे बी अप्रॉक्सीमेटली इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, हाउ यू कैन गेट द वीज़ाज, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ाज, हाउ यू कैन गेट द RT-PCRs डन. एंड इवन इट्स अ ईजी ऑप्शन इज दैट मैनी ट्रैवल एजेंट्स, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम रूट्स विच आर ऑलरेडी बिल्ट थ्रू दीज कंट्रीज एंड दे कैन टेक यू टू कैनेडा एज वेल. सो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं. एंड स्टिल वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू मेक द कंटेंट सो दैट आपको वो हेल्प मिले एंड यू कैन गेट द बेस्ट राइट नाउ नॉलेज. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस.